महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा मराठा आरक्षण का। और देखिए, इस देश में आरक्षण के नाम पर आंदोलन कई पहले भी हुए हैं, अलग अलग राज्यों में हुए हैं, और कई बार ऐसा भी हुआ कि आंदोलन हिंसक भी हो गए। पिछले कुछ सालों में जो आंदोलन हुए उसका जरा एक लेखा जोखा आपके सामने रखते हैं। 2008 और 2015 में राजस्थान का गुर्जर आंदोलन आपको याद होगा, कई लोगों की मौत हुई थी, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। इसके अलावा 2015 में गुजरात में पटेल आंदोलन, पाटीदार आंदोलन, उसका जिक्र भी जब होता है तो हिंसा की याद आ जाती है। तब गुजरात के अलग अलग शहरों में 16 थाने जला दिए गए थे, ट्रेन की पटरियां तक उखाड़ दी गई थी। इसी तरह आंध्र प्रदेश का कापू आंदोलन, जब साल 2016 में दो पुलिस थानों में आगजनी हुई थी, 2016 में हरियाणा में जाट आंदोलन हुआ था, हिंसा की वजह से वो भी चर्चा में जबरदस्त तरीके से आया था। और ऐसा ही कुछ हाल में उत्तर प्रदेश में निषाद आंदोलन के समय भी दिखा, जब 2018 में पथराव तक हो गया था, एक सिपाही की मौत भी हो गई थी। तो ऐसे में अब सवाल महत्वपूर्ण ये हो जाता है, मतलब जब जब आरक्षण के लिए भीड़ जो है वो सड़क पर उतरती है, तब तब हिंसा तो भड़कती है, और इस हिंसा में किसी ने अपने परिवार के सदस्य को खो दिया, किसी ने हिंसा की आग पर अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम किया। पर सवाल महत्वपूर्ण ये कि महाराष्ट्र में ये भीषण रण, तो फिर हिंसा से क्या मिल जाएगा आरक्षण? विनोद जी, हिंसा से आरक्षण मिलेगा या ये सियासत चमकाने का एक औजार, हथियार के तौर पर फिर से साबित होगा महाराष्ट्र में भी, आपका आंकलन? देखिए, देश के हर आंदोलन के पीछे सियासत होती है, सियासत के से परे कोई आंदोलन नहीं होता है। और ये जो आरक्षण के आंदोलन जितने आपने गिनाए, इनमें एक आध अपवाद छोड़ने वाले, निषाद आंदोलन या वो, तो ज़्यादातर जब जो दबंग जातियां हैं उनकी जब राजनीतिक जो लीडरशिप है उसको जब चोट पहुंचती है तब आरक्षण जैसा मुद्दा उठा करके इस तरह से किया। पटेल आरक्षण के पीछे केशुभाई पटेल को जिस तरह से किनारे किया गया था, उसकी पृष्ठभूमि में पाटीदार आंदोलन था जो 2003 के बाद नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ वहाँ गुजरात बीजेपी के नेताओं ने चलाया था। और जब पाटीदार आंदोलन असफल हुआ तो पटेल आंदोलन पाटीदार आरक्षण के नाम पर आ गया, जिसमें यह हार्दिक पटेल उभर के आए। तो पटेलों की जो वर्चस्व था राजनीति में वो कमजोर हो रहा था। मराठाओं का जो वर्चस्व है महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ सालों में कमजोर हुआ है लगातार। आप देखिए, देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री बने, एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने, तो हरियाणा में जाट राजनीति का जो है असर कमजोर हुआ। क्या होता है कि जो प्रभावशाली जाति है उसके खिलाफ जब दूसरी जातियों को आप गोलबंद करते हैं, खिलाफ कहिए उसके सामने कहिए मुकाबले, तो वो एक बड़ा कॉम्बिनेशन बनता है। बीजेपी ने हमेशा अपनी राजनीति में मराठा बनाम गैर मराठा, यादव बनाम गैर यादव, जाट बनाम गैर जाट, ये जो राजनीति का ध्रुवीकरण किया है वो उसको फायदा दिया मिला। उसको हरियाणा में फायदा मिला, महाराष्ट्र में फायदा मिला, सब जगह मिला। लेकिन अब महाराष्ट्र में क्या होगा, क्योंकि एक जमाने में देवेंद्र फडणवीस को जरूर बीजेपी की तरफ से आगे किया गया था, और ऐसा मौका था जब मराठा समुदाय से आने वाले किसी शख्स को मुख्यमंत्री ना बनाकर देवेंद्र फडणवीस के सर पर बीजेपी ने ताज सजाया था। लेकिन अब महाराष्ट्र के सियासी समीकरण किस रूप में बदलेंगे इस मराठा आरक्षण की मांग को लेकर, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। और छोटे से ब्रेक के बाद आगे बात, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का दावा खुद आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं कि 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आखिर क्या है इसके पीछे की सियासत? एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।